किसान भाइयों, आज मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। हमारा खेत जो है 3 फुट गहरा है, 3 फुट गहरा कम, और इसमें हमने सीढ़ी लगा के हमारा ठेकेदार चढ़ रहा, देख लो क्या आइडिया है। और ऊपर बुग्गी खड़ी है, ये खेत बोना हमें, बीज है हमारा, बहुत से मेरे भाई क्या करते हैं, यहाँ से दांती लगवाते हैं, जबकि वो गलत है, ये यहाँ कटना चाहिए। ये सबसे पहले गोभी आएगी जम के, ये देख लीजिए आप। तो बीज अगर करना है तो इस तरह करना चाहिए। और देखिए हमने कितने मोड़े निकलवा दिए, जिस गन्ने की चोटी सूख गई वो रिजेक्ट कर दिया, ये मोड़े हैं सब निकाल दिए गए। ये देखिए मोड़ों का ढेर है, इधर बबलू है। हेलो दोस्तों, जड़ की तरफ से उठवा रहा है, पलंग की तरफ से मैं लगा हुआ हूँ, और ऊपर ट्रॉली पे पुनीत खड़ा हुआ है, ये जो हाथ से बाण बगा रहा ऊपर हूँ, ये देखिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमने छोटा ट्रैक्टर बेच दिया, आज हमें बड़ा ट्रैक्टर लाना पड़ा। वो बेच दिया तो नहन गया दोस्तों, उसे एक किसान से बातों में वैसी बात सी होती रही, बात खिंच गई, और बात खिंच गई। उसने कहा बताओ क्या मांग रहे, मैं कहा ये निकल लो, हम हक्के बक्के यार से 10-20 हज़ार और फालतू मांग लेते, ये तो और भी दे देता, लेकिन वो लालच बुरी वाला, जबान की बात थी, देना पड़ा। जबकि ट्रैक्टर बड़ी शानदार आवाज़ थी उसकी, किटमिट करता था, अब ऐसा ट्रैक्टर नहीं मिल पा रहा। कोई आपकी नज़र में बढ़िया आवाज़ का ट्रैक्टर हो, 95-96 मॉडल, तो ज़रूर प्लीज़ हमें बताना। नमस्कार। देखिए लॉकडाउन की वजह से बबलू क्या छिंका सा लग रहा मुँह पे, दाढ़ी नहीं कटवाई, ठेकेदार कटवा रखी, अरे ठेकेदार की भी नहीं कटी, ये भी ऐसी स्वामी सा बन रहा। ये पुनीत का देखिए, उसके भी छिंका लग रहा, आप डर रहे हैं कभी गड़बड़ हो जा कोरोना की वजह से। भाइयों कोरोना का इतना भय है, हम क्या कोई भी नाई के पास नहीं जा रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा आने वाले टाइम पे ये लटाएं बढ़ेंगी और 5-4 फुट लंबी जरूर हो जानी है धीरे धीरे, बस सरदार जी बन जाएंगे। दोस्तों बुरा मत मानना, वक्त के साथ बदलना पड़ता है इंसान को। आपको हमारी ये सीढ़ी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना। ये देखिए क्या